स्टूडेंट्स so आज हम नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर टू करते हैं चैप्टर नंबर टू हमारे पास है कॉन्ग्रेंसिस कॉन्ग्रेंसिस के लिए सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कॉन्ग्रेंट की डेफिनेशन आपके पास क्या है इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स एंड एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एम डिवाइड्स ए माइनस बी दैट इज एम इज अ डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी देन ए इज सैट टू बी कॉन्ग्रेंट टू बी मोडलो एम और इसको हम कैसे लिखते हैं हम इसको लिखते हैं ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम या फिर ए माइनस बी कॉन्ग्रेंट टू जीरो मोड एम ठीक है एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं सपोज आपको क्या बोला है ए एंड बी टू इंटीजर तो मैंने एक को ले लिया सेवन एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर एम को मैंने ले लिया फोर ठीक है फोर तो ने डिवाइड ने कर दिया थर्टी वन माइनस सेवन को ठीक है अब चेक कर लो क्या फोर थर्टी वन माइनस सेवन को डिवाइड करता है ठीक है थर्टी वन माइनस सेवन आपके पास कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर फोर डिवाइड्स ट्वेंटी फोर तो अगर फोर डिवाइड्स कर देगा इसको तो इट मीन्स क्या हो जाएगा ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम मीन्स थर्टी वन इज कॉन्ग्रेंट टू सेवन मोड फोर ठीक तो आपको ये चेक करना होता है कि ये दिस माइनस दिस इज डिविजिबल बाय फोर और नॉट ठीक सिमिलरली जैसे फॉर एग्जाम्पल थर्टी फाइव इज कॉन्ग्रेंट टू माइनस फाइव मोड एट इसको भी चेक कर लो तो आप क्या करोगे दिस इज ए बी एम तो ए माइनस बी मीन्स थर्टी फाइव माइनस माइनस ऑफ फाइव क्या ये एट से डिविजिबल है थर्टी फाइव माइनस फाइव प्लस हो जाएगा फोर्टी एट डिवाइड्स फोर्टी इट मीन्स दिस इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ठीक है अब आपके पास कॉन्ग्रेंस की कुछ थ्योरम्स आती हैं पहली थ्योरम है ए एन इंटीजर इज कॉन्ग्रेंट टू इट्स रिमाइंडर कि कोई भी इंटीजर जो है वो अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रेंट होता है एन इंटीजर इज कॉन्ग्रेंट टू इट्स रिमाइंडर आपको ये प्रूव करना है अब इंटीजर और रिमाइंडर ये आपके पास कहाँ जाएगा आपको कम से कम एटलीस्ट दो अगर ए एक इंटीजर है जिसको आप एम से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास एक कौशन टॉक रिमाइंडर तो आता है बाई डिविजन एल्गोरिथम सपोज दैट R is the remainder obtained on dividing A by M. ए को आप एम से डिवाइड कर रहे हो तो आर रिमाइंडर है तो क्यों कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ठीक है यहां से आपके पास क्या हो जाएगा ए माइनस आर इज इक्वल्स टू एम क्यू और ये किसकी डेफिनेशन हो गई डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां से क्या होगा एम डिवाइड्स ए माइनस आर और अगर एम ए माइनस आर को डिवाइड करता है इसको कंपेयर कर लो एम डिवाइड्स ए माइनस बी तो क्या होता है ए इज कॉन्गेंट टू बी मोड एम तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम सॉरी एम डिवाइड्स ए माइनस आर मीन्स ए इज कॉन्ग्रेंट टू आर मोड एम तो हर एक इंटीजर ए अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रेंट आपके पास होगा नेक्स्ट आपके पास ए congruent to टू बी मोड एम देन एंड बी leaves द सेम remainder when डिवाइडेड by एम एंड कन्वर्सली आपके पास गिवन है कि ए congruent टू बी मोड एम है आपको यह प्रूफ करना है कि जब हम A को M से डिवाइड करेंगे या फिर अलग से B को M से डिवाइड करेंगे तो दोनों दोनों सेम रिमाइंडर लिव करते हैं ठीक है थीके? तो अब गिवन कंडीशन है इज कॉन्वेंट टू बी मोड एम कॉन्फ्रेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर दो तो, तो यहाँ से क्या होगा एम डिवाइड्स ए माइनस बी अब सपोज करते हैं कि दोनों डिफरेंट रिमाइंडर्स देते हैं मैंने सपोज कर लिया लेट आर वन इज द रिमाइंडर वैन ए डिवाइडेड बाई एम एंड आर टू इज द रिमाइंडर वैन बी डिवाइडेड बाई एम दोनों रिमाइंडर है रिमाइंडर है तो रिमाइंडर की कंडीशन क्या होती है रिमाइंडर जो होता है वो आपके पास लेस देन एम रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहेगा आर टू भी लेस देन एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आपके पास रहेगा अब क्योंकि आर वन और आर टू रिमाइंडर है तो आपने डिवीज़न एल्गोरिथम लगा दी डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा ए इज इक्वल्स टू एम से तो डिवाइड कर रहे हैं तो कोई ना कोई कौशंट ए वन आएगा प्लस आर वन इज द रिमाइंडर बी बी को एम से डिवाइड कर रहे हैं तो कौशंट बी वन और आर टू इज द रिमाइंडर ये ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे यहाँ से आपके पास क्या है एम डिवाइड्स ए माइनस बी है ना तो यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट कर दी ए वन एम प्लस आर वन माइनस बी वन एम प्लस आर टू एम वाली टर्म्स को इकट्ठा किया एम ए वन माइनस बी वन प्लस वन माइनस आर टू अब आपके पास क्या है एम एम को तो डिवाइड करता है ठीक है हर एक इंटीज़र खुद को डिवाइड करता है और हर एक इंटीज़र खुद के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा मीन्स एम डिवाइड करेगा ए वन माइनस बी वन को तो अगर एम डिवाइड करता है एम ए वन माइनस बी वन को मतलब इस टर्म को डिवाइड करता है तो एम इसको भी डिवाइड करेगा एम डिवाइड आर वन माइनस आर टू ठीक है अब यहाँ से देखो आर वन जो है वो लेस देन एम है आर टू भी लेस देन एम है आर वन इज लेस देन एम आर टू इज़ लेस देन एम दोनों का डिफरेंस करेंगे आर वन माइनस आर टू वो भी क्या रहेगा लेस देन एम तो क्या कोई बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर को डिवाइड कर सकता है क्या एम आर वन माइनस आर टू को डिवाइड कर सकता है नहीं कर सकता सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के अगर आपके पास ये नंबर जीरो हो जाए क्योंकि एवरी इंटीजर डिवाइड्स ज़ीरो तो सिर्फ वन कंडीशन बचती है वन आर वन माइनस आर टू इजल टू जीरो तो इट मीन्स आर वन इजक्वल टू आर टू तो दोनों रिमाइंडर क्या हो गए सेम रिमाइंडर हो गए कन्वर्सली कन्वर्सली आपने सपोज किया कि ए और बी दोनों के दोनों सेम रिमाइंडर बचाते हैं आपको प्रूफ करना है कि ए इज ठीक है दोनों को सब कर सब करेंगे तो ए माइनस बी किसके वन माइनस के टू एम आर से आर कैंसिल यहां से क्या हो गया के वन माइनस के टू एक इंटीजर है तो इस इंटीजर को मैंने के नाम दे दिया दिस इज के एम इट मीन एम डिवाइड्स ए माइनस बी और ये किसकी कंडीशन हो गई कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन इट मीन ए इज कॉन्फ्रेंट टू बी मोड एम आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास है द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसिज एंड इक्विलेंस रिलेशन सबसे पहले तो इक्विलेंस रिलेशन क्या होती है एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव हो वो इक्विलेंस रिलेशन हो जाती है ठीक है तो पहले तो डेफिनेशन क्या होती है कॉन्ग्रेंसी कॉन्ग्रेंसी की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम इफ़ एम डिवाइड्स ए माइनस बी सबसे पहले इसको शो करना है रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव क्या होती है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए यानी कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए तो आपको पता है कि हर एक जो एम है इंटीजर है वो जीरो को तो डिवाइड करता है यानी कि एम जो है ए माइनस ए को तो डिवाइड करेगा अगर ये ए माइनस ए को डिवाइड करता है तो कॉन्ग्रेंसी की डेफिनेशन लगा दो यहाँ से क्या हो जाएगा ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए मॉडम मीन्स हर एक इंटीजर खुद से रिलेटेड हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक सीट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए तो हमने सपोज़ किया लेट ए इज़ कॉन्वरेंट टू बी मॉडम हमें प्रूव करना है बी कॉन्ग्रेंट टू ए मोड एम होता है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम डिवाइड्स ए माइनस बी माइनस कोमल ले लेंगे m उसको फिर भी डिवाइड करेगा क्योंकि अगर एम टू को डिवाइड करता है तो एम माइनस टू को भी डिवाइड करेगा ठीक है तो एम डिवाइड्स बी माइनस ए यहाँ से क्या हो गया बीस कॉन्ग्रेंट टू ए मोड एम तोमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या कहते हैं कि अगर ए बी के रिलेटेड है बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए तो फर्स्टली सपोज लेट एज़ कॉन्वरेंट टू बी मोड एम वर्दिस इम्प्लाइज एम डिवाइड्स ए माइनस बी बी इज़ कॉन्वरेंट टू सी मोड एम वर्दिस इम्प्लाइज एम डिवाइड्स बी माइनस सी दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है कि अगर आपके पास कोई इंटीजर है ए वो एक्स को डिवाइड करता है ए वाई को डिवाइड करता है तो ए दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा ए डिवाइड्स एक्स प्लस वाई तो यहाँ से एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है एम बी माइनस सी को डिवाइड करता है तो एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी को बी से बी कैंसिल एम डिवाइड्स ए माइनस सी बट दिस ए एज कॉन्वरेंट टू सी मोड एम तो ट्रांजिटिव भी होल्ड हो गई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गई तो रिलेशन कैसी हो गई आपके पास इक्विलइन रिलेशन हो गई नेक्स्ट आपके पास थ्योरम आती है इफ़ एज कॉन्वेंट टू बी मोड एम देन ए प्लस एक्स कॉन्ग्रेंट टू बी प्लस एक्स मोड एम अब फिर से आपके पास वही कंडीशन है कि अगर ए कॉन्ेंट टू बी मोड एम है तो बाई डेफिनेशन क्या होगा एम डिवाइड्स ए माइनस भी करेगा अब आपको दिखाना है ए प्लस एक्स कॉन्गन टू बी प्लस एक्स मोड एम होना चाहिए इट मीन्स आपको ये शो करना है कि एम डिवाइड्स ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स ये शो करना है ठीक है तो ये गिवन है ये निकाल के लाना है तो इसमें एक्स है तो क्या करो यहाँ पे एक्स को एड कर दो एक्स को सब्डैक्ट कर दो तो मैंने कर दिया ए प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस पी तो यहाँ से ये क्या होगा ब्रैकेट से इकट्ठा कर लो ए प्लस एक्स एक तरफ हो जाएगा माइनस बी प्लस एक्स एक तरफ हो जाएगा तो ये कंडीशन आ गई इट मीन्स आपके पास एम डिवाइड कर रहा है ये ए का, का काम करेगा ये बी का ए माइनस बी इट मीन्स ए यानी कि ए प्लस एक्स इज कॉन्वेंट टू बी यानी कि बी प्लस एक्स मोड एम यही आपकी कंडीशन प्रूफ करनी थी सेकंड कंडीशन में है एक्स इज टू बी एक्स मोड एम अब इसके लिए आपको क्या दिखाना है आपको ये दिखाना है कि एम डिवाइड्स ए एक्स माइनस बी एक्स यानी कि अब जो गिवन है अगर मैं क्या करूँ आप एम डिवाइड ए माइनस बी है तो कोई इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा इट मीन्स अगर मैं इसके साथ एक्स मल्टीपल कर दूँ वो उसको भी डिवाइड करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम डिवाइड्स ए एक्स माइनस बी एक्स तो कॉन्वरेंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया ए एक्स इज कॉन्वरेंट टू बी एक्स मोड एम यही आपको शो करना ठीक नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है इफ ए इज कॉन्वरेंट टू बी मोड m एंड सी इज कॉन्वरेंट टू डी मोड m, देन ए माइनस सी इज कॉन्वरेंट टू बी माइनस डी मोड m. पहले तो जो गिवन है वो यूज करो a कॉन्वरेंट टू b मोड m तो क्या हो जाएगा m डिवाइड a माइनस ठीक है c कॉन्वरेंट टू d मोड m एंड m डिवाइड c माइनस डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड करते हैं तो एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए माइनस बी इज्वल टू एम के वन सिमिलरली एम सी माइनस डी को डिवाइड करते हैं तो एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट सी माइनस डी इजग्क्ल टू एम के टू अब जो लेके आना है ए माइनस सी बी माइनस डी ठीक है अब मुझे ये कॉनग्रेंट दिखाना है तो यानी कि मुझे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सपोज करना पड़ेगा मैंने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो हमें गिवन है हम उन्हीं का सपोज कर लेते हैं ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी लेफ्ट लेफ्ट में से सब राइट राइट में से सबट्रैक्ट इधर क्या होगा के वन माइनस के ट्वेंटी इज़र है तो अगेन मैंने उसको नाम दे दिया के इट मीन्स ए माइन बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू एम के दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ के मल्टीपल ऑफ एम ठीक है मल्टीपल ऑफ़ एम है इट मीन्स एम डिवाइड करेगा इसको तो एम डिवाइड्स ए माइनस सी इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया सी को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया बी को यहाँ एडजस्ट कर दिया तो क्या हो गया एम डिवाइड्स ए माइनस सी माइनस बी माइनस डी तो ये किसकी डेफिनेशन होगी कॉन्ग्रेंस की ए माइनस इज कॉन्ग्रेंट टू बी माइनस डी मोड एम नेक्स्ट में आपको दिखाना है ए प्लस सी बी प्लस डी मीन्स जो आपको गिवन कंडीशन है अब उसको आपको ऐड करना है तो दोनों तरफ ऐड कर दो ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी एम के वन प्लस एम के टू अगेन दिसजन इन टीजर जो लेना है उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो ए प्लस

ए सी माइनस बी डी को अब मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है क्योंकि जो मुझे गिवन है मुझे इसका भी यूज़ करना है तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यूज़ इसका कर लिया एडजस्टमेंट ए माइनस बी इंटू सी प्लस सी माइनस डी इन बी क्योंकि जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बी सी से माइनस बी सी बनेगा और ये प्लस बी सी कैंसिल हो जाएगा अगेन क्या बचेगा ए सी माइनस बी डी ही तो बचेगा ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है एम के वन यहाँ पुट कर दी सी माइनस डी की वैल्यू एम के टू यहाँ पुट कर दी एम कॉमन आ गया दिस इज़ एन अगेन इंटीज़र इंटीज़र है तो मैं इसको एक नाम एल दे देती हूँ तो ए सी माइनस बी डी इट्ज अ मल्टीपल ऑफ़ एम एम का मल्टीपल हो गया इट मीन्स एम डिवाइड्स ए सी माइनस बी डी अगर एम ए सी माइनस बी डी को डिवाइड करता है तो ए सी इज़ कॉन्वरेंट टू बी डी मोड एम आपके पास हो जाएगा तो आपके पास थ्योरम के तीनों पार्ट्स प्रूव हो जाते हैं नेक्स्ट आपके पास थ्योरम आती है इफ़ सी एज़ कॉन्वरेंट टू सी बी मोड एम एंड सी एम की जी सी डी वन है तो आपको प्रूफ करना है, कर ले है कि ए बी ए इज़ कॉन्वेंट टू बी मोड एम जो गिवन है यूज़ कर लो सी ए इज़ कॉन्वेंट टू सी बी मोड एम इट मीन्स कॉन्वेंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम डिवाइड्स सी ए माइनस सी बी ठीक है सी कोमन ले लेंगे एम डिवाइड्स सी ए माइनस बी कंडीशन गिवन है कि सी और एम की जी सी डी वन है अगर सी और एम की जी सी डी वन है तो क्या कभी भी एम सी को डिवाइड करेगा कभी नहीं करेगा तो एम सी को डिवाइड नहीं करेगा तो सी को डिवाइड नहीं करेगा लेकिन इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो किसको डिवाइड करेगा एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड कर देता है तो कॉन्ग्रेंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए इज़ कॉन्गोरेंट टू बी मोड एम आपके पास हो जाता है ठीक है नेक्स्ट आपके पास थ्योरम आती है इफ़ सी ए इज़ कॉन्डेंट टू सी बी मोड एम एंड सी एम के जी सी डी डी है एंड एम इज इक्वल टू डी एम वन दैन ए इज़ कॉन्विडेंट टू बी मोड एम वन ठीक है आपको ये प्रूफ करना है उसका कन्वर्स भी प्रूफ करना है अब गिवन क्या है सी और एम के जी सी डी डी सी और एम के जी सी डी डी है तो जी सी डी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक इंडीजर से एग्जिस्ट करेंगे सी वन और एम वन सच दैट सी इज टू डी सी वन एंड एम इज़ इक्वल टू डी एम वन एंड वन इज़ न ओनली कॉमन डिवाइजर ऑफ सीवन एम वन दैट इज सी वन की और एम वन की जी सी डी वन हो जाएगी दूसरी कंडीशन की वन है सी और सी बी कॉन्ग्रेंट है तो सी और सी बी कॉन्ग्रेंट है तो एम डिवाइड से सी ए माइनस सी बी मीन्स एम डिवाइड्स सी ए माइनस बी ठीक है अगर एम सी ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा एम की वैल्यू कितनी है डी एम वन तो यहाँ से आप पुट कर सकते हो तो एम वन डी डिवाइड करेगा सी वन डी कौन इंटू ए माइनस बी को ठीक है तो यहाँ से क्या हो गया एम डी से डी कैंसिल, एम वन डिवाइड्स सी वन ए माइनस बी या फिर क्योंकि सी वन और एम वन की जी सी डी तो वन है तो एम वन कभी सी वन को तो डिवाइड करेगा नहीं तो एम वन ए माइनस बी को डिवाइड करेगा एम वन

अगर हम क्या करें डी से ही आप मल्टीप्लाई करते डी से डिवाइड करते ठीक है तो एम वन डी डिवाइड्स सी वन डी ए माइनस बी एम वन डी एम वन डी की वैल्यू कितनी है एम एंड सी वन डी सी वन डी की वैल्यू है सी तो यहाँ पुट कर दी एम वन डी की वैल्यू एम सी वन डी की वैल्यू सी तो एम डिवाइड्स सी ए माइनस बी वट दिस इम्प्लाइज एम डिवाइड्स सी ए माइनस सी बी और कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा सी ए इज़ कॉन्फेंट टू सी बी मोड एम आपके पास हो जाए ठीक है ऐसे आपके पास नेक्स्ट चोरम है इफ इज कॉन्वरेंट टू बी मोड एम देन प्रूव दैट ए टू पावर के इज कॉन्वरेंट टू बी रेज टू पावर के मोड एम फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के फिर से ए कॉन्वरेंट टू बी मोड एम गिवन है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम डिवाइड्स ए माइनस बी एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच डैट ए माइनस बी इज इक्वल टू एम टी अब आपको प्रूफ करना है ए की कॉन्वेंट टू बी के दोनों का डिफरेंस कंसीडर कर लो ए के माइनस बी के फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए माइनस बी ए के माइनस वन प्लस ए के माइनस टू बी प्लस बी के माइनस वन ये किसके इक्वल है एम टी के इक्वल ये एम टी के इक्वल हो गया इट मीन्स अगर एम को रखे तो ये पूरा एक इंटीजर एग्जिस्ट हो गया तो ए के माइनस बी के इज अ मल्टीपल ऑफ एम हो गया अगर ये मल्टीपल ऑफ एम है तो एम डिवाइड्स ए के माइनस बी के और अगर एम ए के माइनस बी के को डिवाइड करता है तो इट मीन्स ए के इज़ कॉन्वेंट टू बी के मोड एम आपके पास हो जाएगा ठीक तो ये आपकी डिविजिबिलिटी की थ्योरम्स थी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो थैंक यू